सब मिलती जोड़ी रे तने बुरी करी रे रामन कर ले रामगी आया कर ले रामगी जा राम सुरुचि है। अभी तक मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई हैं राजस्थान के लोक कलाकारों के साथ, उनकी कहानियाँ और उनके संगीत को समझने की मुझे ऐसे कई अवसर मिले। इस श्रृंखला में मैंने 3 से 4 फिल्में बना ली हैं जो कि एक म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री के तौर पर आप कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फिल्म, अभी मैं फ़िलहाल अपनी 3री शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही हूँ और कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ जो कि राजस्थान में ही मैं शूट करती आई हूँ। आप खुद के सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करें वो एक तरह से पर्सनल इंक्वायरी है जो आपको कैसे एनरिच कर रहा है। तो 2008 या 9 या 10 में ऐसा हुआ था कि मुझे एक कॉलेज अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में मुझे एक रिसर्च पेपर लिखने का एक अवसर मिला था जिसको मैंने राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए एक एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया। उस एक प्रोजेक्ट में मैंने ऐसी कलाओं को डिस्कवर किया जो मैंने पहले कभी नहीं जानती थी कि राजस्थान की कलाओं में ये सब भी मौजूद है। मीन राग के ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट मिस सुरुचि शर्मा को रजत कमल का सम्मान। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मीन राग जो फिल्म है वो कैसे शुरू हुई। मैंने एक्चुअली 2019 में शादी की एंड माय हस्बैंड वाज फ्रॉम मीना कम्युनिटी, अशोक मीना, आल्सो द सिनेमेटोग्राफर ऑफ द फिल्म। जब मेरे को पहली दिन जब उनके घर में परिवार वालों ने मुझे स्वागत किया तो पहली बार मैंने मीनाओं के गीतों को सुना एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड। तो वहीं से वो बीच शुरू हो गया कि मुझे इसके बारे में और जानना है या इसको और सुनना है, इसको और देखना है। एक तरीके से जिज्ञासा के थ्रू ये फिल्म का जन्म हुआ कि क्या क्या है। तो मुझे पता चला अच्छा सुड्डा भी है, पद भी है, मुझे नहीं मालूम थे ये सारी चीज़ें। मुझे ढांचे ज़्यादा पता थे या जो महिलाओं के जो गीत उन्होंने गाए थे मुझे वो ज़्यादा पता थे, पर मुझे और विधाएँ पता चली उस पूरे प्रोसेस में। मैंने पहली बार दंगल देखा तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी वो जर्नी। Wikipedia was an organization which was trying to document and curate the cultural diversity of the country aur unki har saal ek fellowship nikalti thi, bahut hi chota fund hota hai fellowship ka aur usme aadhe ghante ki film banana, it was quite something, but we did it because hum log do log ki team thi। jahan jahan hame pata chalta tha ki aaj wahan koi karyakram hai, aaj wahan koi dangal hone wala hai, kadi se kadi judti thi aur fir hum ek naye discovery pe chale jate the। जो लोग कलाकार थे उनकी भी फिल्म बन गई, उन्होंने भी हमें अपने घरों में रुकाया, खाना दिया। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी को हमने एक्सपीरियंस किया वो सारे कलाकारों ने भी हमको बहुत अच्छे से अपनाया एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू एक्सपीरियंस। मतलब माटी में ये मलणो छे, माटी में ये मलणो छे। ढांचा अब जो है बहुत ही प्रचलित आर्ट फॉर्म है जो कि अभी भी मीणाओं में बहुत चल रहा है। सारे शादी ब्याह समारोह में अभी भी वो गीत चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब वो डीजे फॉर्मेट में बड़े रिमिक्स्ड वर्जन में वो चलने लग गए वो सारे गाने और उनके बोल भी बड़े अलग हो गए। वो रूप तो अभी भी जीवित है बट आई थॉट कि हाउ कैन आई क्रिएट अ वर्ल्ड विच इज़ यू नो लाइक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया को इवोक करे या पुराने ज़माने को हम उसका दर्शन कैसे कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। So then this whole idea of just letting them be, you know, in a particular landscape and, you know, them having that musical conversation arrived. And it was very spontaneous. It was very much in the moment. It was not much planned or so. But वो आपको जब आप उस moment में present रहते हो, landscape को देख रहे होते हो, आप artist से बात कर रहे होते हो, आप art form को समझ रहे होते हो, तो अपने आप ये ideas निकल के आते हैं। एक तो अपने आप को कितना आप दूसरे परिवेश में ढाल सकते हो वो बहुत जरूरी है कि हाउ आर यू नॉट स्टैंडिंग आउट बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट इन दैट सिचुएशन व्हेन यू आर गोइंग इन द विलेजेस एज अ वुमन विद अ कैमरा और जस्ट अ वुमन हु इज ट्रैवलिंग अलोन, यू नो एनीथिंग विल मेक यू स्टैंड आउट एंड इट विल यू विल सीक अ लॉट ऑफ अटेंशन समहाउ। सो हाउ कैन यू टोन दैट डाउन, द होल एक्सरसाइज इज ऑफ लेटिंग गो, you know, in documentaries,
सो दैट इज द प्रोसेस. सो अगर जो लोग भी लोक में काम करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी जिनको भी करना चाहिए, जैसे मीन राग एक शुरुआती डायलॉग है इस कम्युनिटी के लिए भी या इस काम के लिए भी, तो इसको भी बहुत और काम किया जा सकता है इस क्षेत्र में भी. अब जैसे मैंने आपको बताया मीनाओं के गीतों में भी अभी भी मैं और जाके डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ, महिलाओं के गीतों को और अच्छे से समझ सकती हूँ, उनके बोल क्या है, उसमें बहुत पोइट्री है, उसमें बहुत अर्थ छिपे हुए हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं. तो ये वास्ट है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स है ना, उनकी स्टडी भी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एंड जितने लोग इससे जुड़ेंगे वो कम है, क्योंकि दिस इज़ आवर टाइम टू डॉक्यूमेंट वॉट एवर इज़ लेफ्ट अराउंड अस, यू नो, वॉट एवर इज़ एग्जिस्टिंग अराउंड अस. तो इस परस्यूट से, इस इंटेंशन से मैं ये फिल्में बनाती हूँ कि अगर कुछ कलाकार अभी हैं जो एक उस हेरिटेज को लिए हुए है आज भी हमारे बीच में, तो कैन वी यू नो गेट अ पीस ऑफ देम टू रिटेन, यू नो, टू रिटेन दैट मेमोरी ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर. दैट इज़ द सोल इंटेंशन. एंड इफ एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड इन दिस जर्नी, दे मस्ट विद दिस प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. क्या हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं कि इन कलाकारों को और काम मिले? क्या एक फिल्म माध्यम बन सकता है कलाकारों की आजीविका को बढ़ाने का या उनके जीवन को और बेहतर करने का किसी भी तरीके से? या एक कलाकार का जीवन कैसे बेहतर होगा कि उसको अपनी कला को दिखाने के और मौके मिले? हम फिल्म मेकर्स को भी यही चाहिए कि हमको और फिल्म बनाने के मौके मिले, राइट? तो अगर कोई एक फिल्म और उसका रिकग्निशन इस काम को और आगे बढ़ाता है सबके लिए, इट्स नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल, इट्स अ कलेक्टिव ग्रोथ. सो हाउ कैन यू नो, इट इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन दैट वे. Suruchi gets this award for sustaining sound recording in difficult locations, also for creating an oral perspective that dynamizes the spatial design of the film's narrative construction. As a filmmaker, you go through lots of highs and lows, you know, you constantly speculate, you try and figure out, redefine your motives and your intentions, your journey, hai na? To ye sab mere us samay reflection chal hi raha tha, and kafi you know, I was trying to question my journey as a filmmaker that very day. In the morning, I was completely lost. कि यार मैं क्या फिल्म बना रही हूँ, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है. और फिर शाम को मुझे पता चलता है, अच्छा that's what we guys is like. Okay, I'm going somewhere right, I think. तो इससे of course एक as a filmmaker बहुत मनोबल बढ़ता है. सबसे important ये चीज़ है कि जो जिन लोगों से आप जैसे आप जिस society से आ रहे हो, वहाँ पर to choose this profession and to do things that you're doing. It is difficult to communicate that to everyone, what you are trying to do, what are your intentions and everything. So, ye is tarike ki recognition, they kind of, you know, validate your work in some way. They give you a certain social validation and that eases your journey a bit. So, then you can focus more on, you know, growth and pursuing your these certain discoveries or is tarike ki aap projects aur kar sakte ho. And in the longer run, I will really hope that, you know, like at this time I was the one who could experience that high, and I'm able to extend that warmth and that celebration to everybody who contributed and even those who did not, you know, like in the larger space, how can we share that the idea of collective growth with everyone. I think that is very important for me. So with that hope.